हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा में डीसी रेट जॉब पे लगना है, डीसी रेट जॉब पे किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए फॉर्म कहाँ से मिलता है, कहाँ पर जमा होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं डीसी रेट जॉब्स के, अगर इस टाइप की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। डेली आपको हमारे चैनल पर हरियाणा में जो भी डीसी रेट जॉब आएगी किसी भी जिले के अंदर किसी विभाग के अंदर सबसे पहले पता चलेगा। कोई भी कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आएंगी सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मेरे भाई और बहन ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा किसी YouTube ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर आप थोड़े से अपडेट रहते हैं। अपडेट का मतलब है जो भी नोटिफिकेशन आता है उस चीज को चेक करें। चेक करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो बिल्कुल आसानी से उस चीज को अप्लाई करने में लग जाया करो। और फिर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले जाया करो। वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ऑल स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, किसी भी टाइम कोई भी न्यू भर्ती आएगी सारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता, कोई साइटम प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक टेलीग्राम पर मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता अपने छोटे भाई के पास मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका छोटा भाई 24 घंटे आपके सपोर्ट में है। तो मेरे भाई और बहन जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। यहां से आपको 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी देखने को मिलेगी पूरे हरियाणा, पूरी दिल्ली, पूरी चंडीगढ़ के अंदर सबसे पहले सबसे फास्ट जो भी वैकेंसी आएंगी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा आपने सोचा भी नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अगर आप थोड़े से अपडेट रहते हैं। तो मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब आती रहती है, वो भी डेली जो भी नोटिफिकेशन आता है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। और आज का हमारा बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, एक और बड़ी भर्ती है इस महीने की, सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, 98,000 प्लस पदों पर यह भर्ती होने वाली है। पूरे हरियाणा के बच्चे इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1,00,000 बच्चों की वैकेंसी आ चुकी है, परंतु ये ऑल इंडिया की रहने वाली है। इसमें हरियाणा की कितनी है, दिल्ली की कितनी है, चंडीगढ़ की कितनी है, पूरा आपको बेसिक से लेकर डिटेल से बताऊंगा और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। बिना पेपर दिए आपका सिलेक्शन होगा, 98,000 प्लस पोस्ट है मेरे भाई और बहन। इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कर लेना, ओनली 10वीं 12वीं पास ही आपकी मांग रखी है। और किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई होगा एक बार डिटेल से बताता हूँ, आप पूरी वीडियो देखते रहे। ओके गाइस, वीडियो पर बने रहे। ओके, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, इंडिया जो पोस्ट ऑफिस विभाग है, इंडिया डाक विभाग, वहां की वैकेंसियां 2022-23 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर पोस्ट क्या क्या आने वाली हैं, पोस्टमैन की पोस्ट रहेंगी इसके अंदर, जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म आपके स्टार्ट कब होगा, 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जनवरी तक आपका लगभग फॉर्म स्टार्ट हो रहेगा। मेल गार्ड की पोस्टें होंगी, ये भी 6 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। MTS की पोस्टें होंगी, 25 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपकी वहीं पर बता दिया जाएगा। लास्ट डेट जो भी रहेगी, जो न्यू अपडेट आएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। 6 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 98,000 पोस्ट है मेरे भाई और बहन, कम पोस्टें नहीं है, 98,000 प्लस पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। आपको बिल्कुल आसानी से यहां पर जॉब देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फी की मैं बात करूंगा तो 0 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी, ओनली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 100 रुपए रहेगी और सबकी 0 रुपए फीस रहेगी। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी प्रकार का ऑफलाइन कोई भी सिस्टम नहीं रहने वाला। एज लिमिट की हम बात करेंगे, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 27 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक होकर। एज में अगर किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टोटल पोस्टें कितनी आई हैं, 98,083 पोस्टों पर ये भर्ती होगी। इन पोस्टों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट रहने वाली है। पोस्टमैन की कम से कम 59,999 पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर मेल गार्ड की पोस्ट रहेंगी 1500 के लगभग, 1445 पोस्ट मेल गार्ड की रहने वाली है। MTS की 37,539 पोस्ट ये रहने वाली है। तो MTS की पोस्टें बहुत ही ज्यादा है, पोस्टमैन की बहुत ही ज्यादा है। और किस किस जिले के अंदर, कौन कौन से स्टेट के अंदर कितनी कितनी पोस्टें इन्होंने बांट रखी है, आंध्र प्रदेश वाले अपने देखते जाए। मैं टारगेट करूंगा मेरे भाई और बहन जो मेरे से दिल से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और UP, राजस्थान, जो आसपास के मेरे भाई और बहन सब मेरे से जुड़े हैं उनका मैं पहले टारगेट करूंगा। और जो भी मेरे भाई और बहन बाहर से देख रहे हैं तो बुरा मत मानना, अपना साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, क्योंकि जो मेरे भाई और बहन मेरे से दिल से जुड़ा उनका मैं टारगेट करके बता देता हूं। एक बार पहले बात तो आसाम वाले अपना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश वाले देख लीजिए, बिहार वाले मेरे भाई और बहन सभी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ वाले देख लीजिए, दिल्ली में कितनी आई है जो पोस्टमैन की आई है 2903 पोस्टें, जिसके अंदर मेल गार्ड की 20 पोस्टें हैं,
और एमटीएस की पोस्टें कितनी रहने वाली हैं, 2667 पोस्टें जिसके अंदर उसकी रहने वाली है एमटीएस के। गुजरात वाले भी देख सकते हैं और हरियाणा की हम बात करेंगे, 1043 पोस्टें तो आपकी पोस्टमैन की रहेंगी, 24 पोस्टें आपकी मेल गाइड की रहेंगी, 818 पोस्टें आपकी किसकी रहने वाली हैं, 818 पोस्टें आपकी एमटीएस की रहने वाली हैं। तो हरियाणा के सभी स्टूडेंट इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 2000 पोस्टें आपके हिस्से में आ रही है, 2000 पोस्टें बहुत ही ज़्यादा होती है मेरे भाई और बहन, आराम से आप सलेक्शन पा सकते हैं, बिना पेपर दिए आपका सलेक्शन होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश वाले देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे मेरे भाई और बहन सबकी यहाँ पर पोस्ट आ रखी है। राजस्थान की हम बात करेंगे, पंजाब की हम बात करेंगे, पंजाब में कितने 1824 पोस्टमैन की रहने वाली, 29 पोस्टें आपकी मेल गार्ड की रहेंगी, 1178 पोस्टें आपकी कहां की रहेंगी, एमटीएस की। राजस्थान की मैं बात करूंगा, 2135 पोस्टें तो आपकी पोस्टमैन की रहेंगी, 63 पोस्टें आपकी मेल गार्ड की रहेंगी, एमटीएस की 1336 पोस्टें मेल इसमें एमटीएस की रहने वाली हैं। इसके आगे हम बात करेंगे यूपी की, यूपी में सबसे ज्यादा पोस्टें आपको देखने मिल रही है, पोस्टमैन की पोस्टें यूपी के अंदर 4992 पोस्टें हैं, 116 पोस्टें आपकी मेल गार्ड की रहने वाली है, 3911 पोस्टें आपकी कहां की रहेंगी, एमटीएस की पोस्टें रहेंगी। यूपी के सभी मेरे भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपकी पोस्टमैन की 59,099 पोस्ट है तो आपकी पोस्टमैन की रहेंगी, 1445 पोस्टें मैंने आपको बता दिया था मेल गाइड की रहेंगी, 37,539 पोस्टें आपकी एमटीएस की रहने वाली हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्टमैन के लिए आपको 10वीं 12वीं पास मांग रखा है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको नॉलेज है तो ठीक है, मेल गाइड के लिए भी 12वीं पास मांग रखा है, एमटीएस के लिए आपको 10वीं पास मांग रखा है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपने वैकेंसियों को भी देखते हुए 10वीं 12वीं पास वाले सभी मेरे भाई और बहन आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। सैलरी आपको जो पोस्ट वाइज के हिसाब से जो सैलरी मिलती है वो इसमें सैलरी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी भर सकते हैं, अदर कोई भी आपने को पता है तो वहां से भी भर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा, ओनली मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका भाई जो भी चीजें बताता है रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, सबसे पहले जानकारी, जब से भर्ती शुरू होती है एंड तक, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जितने भी अपडेट आएंगे सबके सब अपडेट आपको यहां पर कंटिन्यू देखने को मिलेंगे मेरे भाई और बहन, एक भी अपडेट आपका छूटने वाला नहीं है, शुरू से लेकर आखिरी जब तक भर्ती कंप्लीट होगी सारे अपडेट आपको ए टू जेड अपडेट, एक भी छोटा बड़े अपडेट आएंगे सारे मेरे भाई और बहन के साथ में शेयर होंगे। तो ये छोटा सा अपडेट था, अगर अच्छा लगा तो मेरे भाई और बहन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।